मेरे सभी पूर्वजों को भी सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 9 सितंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। रात 9:54 के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र है। शाम 6:04 के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वैधुति योग है। मध्य रात में 12:32 के बाद विषकम्भ योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 9 बजे के बाद तैतिल करण शुरू होगा और रात 9:54 के बाद गरज करण शुरू होगा। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है अपने सिंह राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनि देव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:26 पर होगा, निगमन जो है शाम 6:45 पर होगा। दोस्तों इसी पंचांग के आधार पर अगर आज हम अभी आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं, तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये जो संकल्प है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रत्नय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधेश्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनोन्तर कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यवहार के चांदमान शालिवान शके 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरो में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे विशाखा नक्षत्र वैदुर्ति योगे कौलो करणे षष्ठी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कणप मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग का पूजा करिष्ये। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। इस संकल्प की काल मर्याद सुबह 9 बजे तक है दोस्तों। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए। सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 10, 12, 15 और 16। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 10, 12, 15 और नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 10, 15 और 16। मुंडन करने के लिए तारीख जो है मुहूर्त 15 और 16। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 15 और 16। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पायावरण करने के लिए भी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो केवल महादेव की आप कर सकते हैं, उनके अवतारों के कर सकते हैं। पंडित के माध्यम से विधिवत आपको करनी, घर पर करें या मंदिर में। घर पर करना है तो आपको कुछ नियम है, उनका पालन अगर आप करते हैं तो ही आप कर सकते हो, अन्यथा ना करें दोस्तों। शिव मंदिर का सहारा लेकर आप अपनी भक्ति प्रकट करें दो महादेव के प्रति दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है, उसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या योग्य पुरोहित को कांटेक्ट कर सकते हैं या पंचांग धारक को कांटेक्ट करके आप जान जान सकते हैं। और आपके जन्म कुंडली के अनुसार जो मुहूर्त है अपने लिए वो आप चुन सकते हैं। अगर ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है तो फिर नया कोई मुहूर्त निर्माण ना करें आप खुद होकर या पुरोहित के माध्यम से। और मुहूर्त में अगर आप आपका काम करते हैं, विधि संपन्न करते हैं, तो आपके विधि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। और जो मुहूर्त आप बनाएंगे उसका फल आपको मिलेगा ना, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं रहेगा दोस्तों।
दोस्तों पंचांग में देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है, दिन अच्छा नहीं है। अपन दिन विशेष दोस्तों श्री बलराम जयंती, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो उनको गुरु के समान मानते थे दोस्तों, तो बहुत ही सहायता उनसे मिली है भगवान श्री कृष्ण को दोस्तों। और सूर्य षष्ठी भी है, सूरज के बारे में आप अगर कुछ सेवाएं कर सकते हैं तो करे दोस्तों। कार्तिक स्वामी का दर्शन भी आप ले सकते हैं, ये भी योग कल आज आज के दिन है दोस्तों। शाम 6:04 तक घबाड़ योग है दोस्तों, आप जो भी काम करेंगे उसमें घबाड़ जैसा आपको यश प्राप्त होगा। और यम घंट योग भी है, यम घंट योग ये जनन शांति के संबंधी है। जो बालक नए जन्म लेंगे उनकी जन्म शांति 12वें दिन करनी पड़ती है पंडित के माध्यम से अपने घर पर दोस्तों। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर जीवन में दोस्तों बालक के। तो ये जो विधि है इसी पंचांग में दी जाती है। अगले पंचांग या चालू पंचांग, अगले पंचांग में नहीं दी जाती, चालू पंचांग में ही दी जाती है। इसके लिए हम भूल जाते हैं दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप नया कोई नया कर्म कांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही कर सकते हो। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है दोस्तों। इस काल में भी आपको नया कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको यश मिलने नहीं देगा। इसके लिए आपको और कोई समय में इसे पूरा करना पड़ेगा ताकि उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करो। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुँचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगली मुलाकात होने तक खुश रहे आप, प्रसन्न रहे और आनंदी रहे दोस्तों। धन्यवाद। हरिओम, शिव शंभो महादेव।